हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भले चंगे होंगे और आप लोगों की जिंदगियां भी खुशगवार गुजर रही होंगी। अप्स डाउन्स जिंदगी में आते रहते हैं, कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम आ जाता है। जहाँ अरूज होता है वहाँ जवाल भी आता है। बट आप लोगों को जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको शुक्र करना है। शुक्र करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो आज आप सब्र कर रहे हैं उसका सिला आपको कल की जिंदगी में जरूर मिलेगा। तो जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है यूरिक एसिड, जिसे गोट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इसकी वजह से हम लोग मेनली जो हमारे लेवन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया जाता है वो जोड़ों का दर्द हम लोग कह देते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को ओल्ड एज में होता है, आजकल यंग एज में भी यूरिक एसिड का जो मसला है वो देखा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या फिर वो कह रहे हैं उनके कंधों में पेन है, स्वेलिंग है एंकल्स पे। तो ये तमाम चीज़ें जो सिम्टम्स हैं, अगर हम लोग अपने भी किसी भी फैमिली मेम्बर को देख तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये है आज की वीडियो का टॉपिक है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर डाइटिशियन बन रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आपको जो नॉर्मल डिजीजेज हैं, ठीक है, डायबिटीज होगी, यूरिक एसिड का मसला हो गया, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया, हाइपरटेंशन का मसला हो गया, इन तमाम चीज़ों का आपके पास नाउ हाउ होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बता सकें कि ये इसके ये सिम्टम्स हैं, अच्छा आपको ये मसला है, आप इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं। सो वट इज गॉट और वट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड विच इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटस, अर्थराइटस मीन्स जोड़ों के दर्द की ही एक किस्म है, कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। आपके जो जोड़ हैं, ठीक है, आपके बेशक वो घुटने के जो का कोई जोड़ है, ठीक है, आपकी कूहनियाँ हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके कंधे हैं, कोई भी ऐसा जोड़ है जहाँ पर आपको पता है कि जॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स बिल्डअप होने लग जाते हैं। ठीक है, गॉट इज नॉट अ सिंगल डिजीज बट रेदर अ कंडीशन रिलेटेड टू हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड नाउन एज हाई पर यूरिसीमिया। ठीक है, इसमें ये जब आप लोग यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं तो मेन चीज जो देखी जाती है वो ये है कि आपका जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, वो हाई होता है नॉर्मल वैल्यू से। कुछ लोग मेडिकेशन लेते हैं बट वो कहते हैं उनका जो ब्लड में जो मेन चीज़ है, उनका ब्लड में तो यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, मेडिकेशन के बाद, 1 वीक 2 वीक की मेडिकेशन के बाद, बट उनके जो क्रिस्टल्स बिल्डअप हुए होते हैं जॉइंट्स में, जो मसल्स में उनके बिल्डअप हो चुका होता है यूरिक एसिड, वो वहीं का वहीं रहता है। इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारी वैल्यू तो नॉर्मल आ रही है, हम लोगों ने टेस्ट करवाए वो नॉर्मल है, बट हमारे जो पेन है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, या फिर शोल्डर पेन है, वो एज इट इज है। सो इसमें आपको ख्याल रखना है कि वो जो पेन है उसका क्या रीजन है, अर्थराइटस है, ऑस्टियोआर्थराइटस है, रूमेटॉइड आर्थराइटस है, या फिर यूरिक एसिड का इशू है। सो बी केयरफुल अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स एंड एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो कॉजेस, हम कॉजेस की तरफ आते हैं, इसकी वजूहात क्या है। गॉट अकर्स when there is an excess of uric acid in the bloodstream leading to the formation of urate crystals in the joints. ठीक है, पहले काफी देर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया उसकी वजह से यूरिक एसिड आपके ब्लड स्ट्रीम में तो था ही था, ठीक है, एक्सेस में हो गया, उसके बाद यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो आपके जॉइंट्स में बिल्डअप होने लग गया। आपने काफी 1-2 साल आपने सोचा कुछ नहीं होता, वैसे ही थक जाते हैं हम लोग चल नहीं सकते, एंकल्स में स्वेलिंग हो रही है, क्यों हो रही है, हम लोग कहते हैं नहीं वैसे ही शायद कुछ खा लिया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो आप लोगों ने केयरफुल रहना है, काइंडली इसके बारे में केयरफुल रहें कि ये किस लिए हो रहा है, इसकी क्या कॉजेस है, कॉजेज किस डिजीज की को लीड कर रही है, ये तमाम चीज़ें। हमारे यहाँ हम लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं होता, अच्छा मालिश कर लो ये ठीक हो जाएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें मोस्टली लोग फिजियोथेरेपी की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है, उससे भी आपके जॉइंट पेन में इम्प्रूवमेंट आती है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है कि आप मेडिकेशन ज़रूर लें, ठीक है, आप लोग अपनी डाइट को बेहतर करें, ठीक है, इसके लिए आप डाइट अच्छी करें, वो चीज़ें खाएं। अब जैसे बेरीज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, एंटी ऑक्सीडेंट है, चेरीज बेरीज, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, या फिर इससे बहुत जल्दी आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है। जो चेरीज हो गई, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ठीक है, ब्लू बेरीज हमारे यहाँ इतनी अवेलेबल नहीं होती, फॉरेन कंट्रीज में होती है, तो ये तमाम डाइट आप ले सकते हैं, इससे जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है वो तो कम हो जाएगा, बट विदाउट मेडिकेशन आप इसका इलाज नहीं कर सकते। एज अ डाइटिशियन आई एम सेइंग दिस टू यू। देन इसकी एक और कॉज हो सकती है, यूरिक एसिड इज अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स व्हिच आर सब्सटेंसेस फाउंड इन सर्टेन फूड्स एंड आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। अब जो मोस्टली हम लोग
यूरिक एसिड जो है वो नेचुरल हमें बॉडी में से निकालना है। इसके लिए सेकेंडली जो चीज़ है वो मेन चीज़ आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठीक है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे जो वेस्ट है आपकी बॉडी में से वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर आप पानी नहीं पी रहे, आपकी बॉडी आपके किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्यूरिन की ब्रेकडाउन से होता है जो कि प्रोटीन है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, तो उसकी वजह से उनकी एक्युमुलेशन होने लग जाती है, तो उसकी वजह से बिल्डअप हो जाता है यूरिक एसिड आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, और उसके अलावा आपके ज्वाइंट्स में। सो जो सेकेंड आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में चेंज ला सकते हैं वो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। सेकेंड थिंग इज वन द बॉडी प्रोड्यूस आर टेक्स इन मोर प्यूरिन दैन इट कैन एलिमिनेट, यूरिक एसिड लेवल्स कैन राइज एंड क्रिस्टल्स कैन फॉर्म इन द ज्वाइंट्स। तो आपकी बॉडी में क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि ज्वाइंट ज्वाइंट्स में आपके क्रिस्टल्स बनते हैं, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो प्यूरिन है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा बॉडी में से, उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन होगा तो एंड प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट देन आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट होगा। देन आप क्योंकि इसमें मेन चीज है, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं जो कि आपके किडनीज पे इफेक्ट करती है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट करेंगे देन आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, आपके किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली आपकी बॉडी से जो है वो रिमूव नहीं हो रहे, एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से उनकी अकोमोडेशन डेफिनेटली होगी। सो आपको पानी वैसे भी हमें नॉर्मली भी पानी ज्यादा पीना चाहिए, आजकल गर्मियां हैं तो काइंडली बी केयरफुल कि आप पानी ज्यादा इंटेक करें। और अगर आपको किडनी का कोई मसला है, डायलिसिस हुए हैं या फिर कुछ और कोई स्टोन बना है, कुछ भी हुआ है, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सिम्टम्स पे आ जाते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। इंटेंस ज्वाइंट पेन होगी, आपको बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन होगी, टिपिकली अफेक्ट्स द बिग टू जो आपका पाँव का, बेसिकली पाँव में ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा सारा बॉडी वेट उसी पे हमारे पाँव पे ही लाई कर रहा होता है, बट कैन आल्सो अकर इन द एंकल्स, नीज, फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बोज, ठीक है। पेन ऑफन कम्स ऑन सडनली एंड कैन बी एक्सक्रूशिएटिंग। तो इसमें मेन चीज़ ये होती है कि या तो पेन आपको ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, या फिर मोस्टली लोगों को मैंने देखा है उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि उनके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है उनकी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनके एल्बोज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो रात को साइड लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो आधा घंटा भी नहीं चल पाते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले वॉक करते होते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो अपना जो नॉर्मल वर्क है वो भी नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होता है यूरिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए आपके एंकल्स में, कुछ लोगों के एंकल्स में स्वेलिंग हुई होती है तो वो बताते नहीं है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मालिश कर लेंगे इससे ठीक हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द रीजन। आपने जो आपकी बीमारी की असल जड़ है उसे पकड़ना है। देन उसके बाद जो सिम्टम्स है उसमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, आपकी जो मतलब आप मोशन की रेंज है वो भी कम हो जाती है ड्यू टू पेन, पेन हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, मूवमेंट जो है ज्वाइंट की वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या आप अपना बाजू अच्छे से फोल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप चल नहीं सही से रहे, टांगे मतलब सीधा करने में भी आपको इशू होता है, चलने में वेट बॉडी मतलब इतना वेट गेन भी इसका एक इशू है, ठीक है, आपका वेट ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकती है। देन जो इसके एक और सिम्टम है स्वेलिंग एंड रेडनेस भी हो जाती है कुछ लोगों के, ठीक है, उनके सूजन होती है उसके बाद रेडनेस भी हो जाती है, अफेक्ट करता है ज्वाइंट को, बिकम स्वॉलन, ठीक है, टेंडर एंड अपीयर रेड और पर्पलिश भी हो जाता है, उन्हें शो हो रहा होता है कि यहाँ से रेडनेस है, यहाँ पर एंकल्स पे है, एल्बो पे है, रिस्ट पे है। ये तमाम जो है वो इसके सिम्टम्स हैं। देन इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है एक्यूट गॉट अटैक ट्रीटमेंट, कि हम लोग एक्यूट आपको पता है लेस देन 2 और 3 वीक्स के, 2 से 3 वीक से जो कम कोई भी आपको बीमारी है उस वो एक्यूट में आ जाती है, जो 3 वीक्स मीन्स 1 मंथ से ज़्यादा 1 to 2 मंथ में आ जाती है वो क्रोनिक में आ जाती है। एक्यूट गॉट अटैक ट्रीटमेंट क्या आपको अचानक हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एनसिड्स ले सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, इसमें आइबोप्रोफेन आ जाता है, उसके अलावा कोई भी आपके जो भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं क्योंकि बगैर मेडिकेशन के आप इसका इलाज नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपके पेन रिलीव हो जाती है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, कि आपको अचानक अटैक हुआ है अगर कहीं पर ज़्यादा पेन हो रही है तो उसके लिए आप मेडिसिन लें। देन सेकेंड है कोल्चिसिन, दीज मेडिकेशंस कैन ऑल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इज ऑफन प्रिस्क्राइब फॉर एक्यूट गॉट अटैक। देन कोर्टो
देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं इसमें. इन सम केसेस ओरल आर इंजेक्टेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मे भी यूज टू रिड्यूस, क्योंकि कभी इंटेंस आपको पेन हो रहा होता है, क्योंकि आप जो ओरल मेडिसिन लेते हैं वो पहले आपके GIT में से गुजरेगी, देन वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. कभी इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होता है कि हम इसमें इंजेक्शन यूज़ करते हैं ताकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाए और आपको पेन से रिलीफ हो. देन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हम क्या है, ये आपका सडन है, आप ठीक हो गया, आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो गया है बॉडी में, देन आपने इसको कैसे लॉन्ग टर्म कैसे मैनेज करना है, पहले आपने लाइफ स्टाइल चेंजेस लेकर आनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो आपने कम करनी है, अवॉइड करना है हाई प्यूरिन फूड, ऑर्गन मीट मतलब रेड मीट, ठीक है, रेड मीट बीफ हो गया, मटन हो गया, इसको आपने कम से कम इसका यूज़ करना है. उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लीफ वाली वेजिटेबल्स हैं, पालक हो गई, साग हो गया, इसका इंटेक भी आपने कम करना है. देन मेडिकेशंस आपने यूज़ करनी है ताकि यूरिक एसिड लेवल्स कम हो. इसमें फ्रीक्वेंट हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, बार बार आपका लेवल हाई हो रहा है ब्लड में, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकेशन लें, क्योंकि बगैर मेडिकेशन के आप इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते. देन वेट मैनेजमेंट मेन चीज़ है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट लूज करने पे फोकस करें ताकि आपका वेट कम हो और आपकी जो इसमें सिवियरिटी आ रही है जॉइंट पेन में, स्वेलिंग हो रही है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप इजीली कवर कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक होगा. सो कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.